अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और आशीन आज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा S7200 में हम किस सॉफ्टवेयर से प्रोग्रामिंग करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और क्या क्या मेन्यू होता है, कहां से क्या करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस PLC के आउटपुट वायरिंग के बारे में वो पूरी डिटेल में मैंने बताया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं आप, और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के इस टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है Step 7 माइक्रो इन सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर ये हमारे पास, ये देखें आप, Step 7 माइक्रो विन सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ मैं। ये ओपन हो गया। अच्छा, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है टू टाइप्स की सिस्टम में सपोर्ट करता है, SP9 एंड SP1। जब हम Service Pack 1 की बात करते हैं तो वो Service Pack 1 जो है विंडोज़ 32-bit में सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरा ये विंडो जो है ये 64-bit है, दैट्स मीन ये इट्स Service Pack 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्जन बताता है यहाँ से Step 7 माइक्रोविन 4.0925। ठीक है, तो ये आप बेसिकली कहीं से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं, आप YouTube में वीडियो देखें वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी करके आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में, मैं बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर सबसे पहले टॉप लाइन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर पहला फ़ाइल है, फ़ाइल में जब हम न्यू करेंगे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगा अगर न्यू प्रोग्रामिंग वगैरह करना है। ठीक है, और ओपन का मकसद है अगर पहले से हमारे पास कोई फ़ाइल मौजूद है बना हुआ या अपलोड किया हुआ, तो वहाँ से हम यहाँ से ओपन करेंगे और फाइल सेलेक्ट करेंगे, वो ओपन हो जाएगा प्रोग्राम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन, मीन ये है कि हम कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एस की जगह सेव करना चाह रहे हैं उसका नाम और टाइटल वगैरह डालकर सेव एज हो जाएगा प्रोजेक्ट, एज अ प्रोजेक्ट। सेट पासवर्ड, पासवर्ड वगैरह सेट के लिए, जैसे हम यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फाइल में ही है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट डेफिनेटली इंपोर्ट करेगा फाइल को। ठीक है, एक्सपोर्ट करना हो तो फाइल एक्सपोर्ट भी कर देगा। अपलोड एंड डाउनलोड Ctrl+U शॉर्टकट है, अगर हम जैसे ही Ctrl+U करेंगे तो ये अपलोड पे चला जाएगा, डाउनलोड Ctrl+D, यानी कि अपलोड का मकसद ये हुआ कि हमारे पास कोई PLC है। ठीक है, उस PLC से हमें प्रोग्राम उठाकर अपने PC में लाना है, तो उसके लिए अपलोड है, और अगर डाउनलोड करना है तो कोई न्यू प्रोग्राम बनाकर अगर अपने PLC में डालना चाहते हैं तो वो डाउनलोड का ऑप्शन है। क्रिएट लाइब्रेरी है, एड रिमूव लाइब्रेरीज, आपको पता है लाइब्रेरीज किस लिए होता है, कोई हमें लेट सपोज सैम्बल ऐड करना है, कोई पिक्चर्स ऐड करना है, तो लाइब्रेरी ही क्रिएट कर सकते हैं हम। पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, नॉर्मल थिंग्स है ये तमाम चीज़ें, ये प्रिंट पेज का सेटअप है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एडिट। जब हम एडिट में आते हैं तो यहाँ सिलेक्ट ऑल है, इंसर्ट है, डिलीट है, फाइंड है, रिप्लेस है, एंड गो टू है, नॉर्मल थिंग्स है जो तमाम चीज़ें होती हैं। STL, यहाँ पर व्यू में सबसे पहले आपके पास STL है, लेदर है, FBD। ये तो हमें पता है कि PLC प्रोग्रामिंग जो है 3 फंक्शन पर वर्क करता है, लेदर में, FBD में, STL में, चाहे हम किस में करना चाहते हैं सिलेक्ट कर ले, लेदर हम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर लेदर सिलेक्टेड है। कंपोनेंट, प्रोग्राम एडिटर है, सैम्पल टेबल है, स्टेटस चार्ट है, डेटा ब्लॉक है, सिस्टम ब्लॉक है, क्रॉस रेफरेंस है, कम्युनिकेशन है, सेट PG इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें टिक लगी हुई है, टिक का मकसद ये हुआ कि जैसे सिंबॉलिक एड्रेसिंग, इसमें हम अनटिक कर देंगे तो यहाँ से सिंबॉलिक एड्रेस यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंबॉलिक एड्रेसिंग में दोबारा ले आते हैं, तो यहाँ पर ये शो होगा। लेट सपोज़ मैं कुछ और को करके दिखाता हूँ आपको। व्यू में आते हैं
और लेट सपोज नेटवर्क कमिंग, ये देखें यहाँ से नेटवर्क कमिंग गायब हो गया। अब मैं व्यू में करूँगा, नेटवर्क कमिंग में आ जाऊँगा, तो यहाँ पर ये देखें नेटवर्क का अपना एक कमिंट होगा हर जगह, ठीक है। तो वैसे ही हम आगे चलते हैं पीएलसी में, रन स्टॉप कंपाइल ऑल क्लियर पावर अप रीसेट इंफॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम मेमोरी कार्ट्रेज, मेमोरी कार्ट्रेज पीएलसी में जो भी है उसको अगर हम इरेज करना चाहते हैं इरेज कर सकते हैं, उसको हम क्रिएट डेटा ब्लॉक फॉर रैम फ्रॉम रैम, यानी कि उस मेमोरी कार्ट्रेज का बैकअप लेना चाहते हैं, वट एवर जो भी है वो कर सकते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट स्कैन, मल्टीपल स्कैन, स्टार्ट प्रोग्राम स्टेटस, स्टेटस चार्ट स्टेटस, सिंगल रीड, अनफोर्स ऑल, राइट फोर्स आउटपुट इन स्टॉप। राइट फोर्स का मकसद ये है कि किसी हम आउटपुट को ऑन करना चाह रहे हैं फोर्स करके, तो स्टॉप मोड में भी हम फोर्स कर सकते हैं राइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं टूल में, टूल में ये तमाम विजर्ट्स हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले विजर्ट, 3D डिज़ाइनर, पोजिशन कंट्रोल विजर्ट, यानी कि कोई हम हाई स्पीड काउंटर लेना चाह रहे हैं किसी पोजिशन कंट्रोल का विजिट, यहाँ से हम डायरेक्टली एक्सेस करके और सेटिंग्स करके यहाँ से देखें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम विंडो कैस्केड करना चाह रहे हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल सिमेटिक लेदर सेम्बोलिट सेम्बल टेबल, ठीक। हेल्प में जब हम आ जाते हैं तो हेल्प में कॉन्टेंट एंड इंडेक्स, व्हाट इज दिस, व्हाट्स न्यू, एंड ये सारे हेल्प के इन्फो होते हैं, जैसे सीमेंस सॉफ्टवेयर सपोर्ट, CS7 200 सपोर्ट एंड प्रोडक्ट ओवरव्यू, व्हाट एवर। अबाउट में आ जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर का ये डिटेल है। तो उसके बाद यहाँ पर वो जो चीज़ें हमने ऊपर टॉप मेन्यू में देखा वो तमाम चीज़ें यहाँ पर एज अ बार की शक्ल में होता है, ठीक है। वहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं। अब ये अनफोर्स ऑल आ गया, लेट सपोज यहाँ पर प्रोग्राम स्टेटस आ गया, स्टॉप मोड, रन मोड, ये तमाम चीज़ें हमें मेन्यू में भी मिल जाता है। यहाँ से हम डायरेक्टली डाउनलोड एंड अपलोड भी कर सकते हैं, कंपाइल ऑल एंड कंपाइल ये भी है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हमने यहाँ पर फाइल में देखा था, ठीक है, और तमाम मेन्यू में देखा था, ये मौजूद है यहाँ पर, सेव प्रोजेक्ट व्हाटएवर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखें इंसर्ट नेटवर्क है, डिलीट नेटवर्क। एक फंक्शन ये है कि यहाँ से हम डायरेक्टली शॉर्टकट भी हम कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट नेटवर्क, यहाँ पर हमें नेटवर्क इंसर्ट करना है, यहाँ से आएंगे हम इंसर्ट नेटवर्क, यहाँ पर न्यू नेटवर्क आ गया, और हम यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं, सिलेक्ट राइट क्लिक इंसर्ट एंड नेटवर्क F3, ये देखें यहाँ से भी इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो बार दिया गया है ये शॉर्टकट के लिए। बिट लॉजिक, ये देखें कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कॉइल आपका बॉक्सेस F9, तो ये कनेक्ट लाइन डाउन लाइन अप लेफ्ट लाइन राइट लाइन, तो ये सब चीज़ें हैं फॉर शॉर्टकट, ठीक है। ये हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास CPU का ऑप्शन दिया हुआ है। ये CPU बेसिकली वो है कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए मौजूद हो। लेट सपोज हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ से अपने PLC टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, 224 है, 222 है, 221 है, 216 है, जो भी है हम यहाँ से ओके करके सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके CPU के वर्जन आ जाए, ठीक है, जो वर्जन होगा वो सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये CPU का टाइप एंड मॉडल आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स मिलेंगे इसी प्रोजेक्ट टेबल के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम ब्लॉक, ठीक है, मेन SBR इनिशियल प्रोग्राम ब्लॉक, सैम्पल टेबल, इसमें यूज़र POU सैम्पल्स, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों की डिटेल हम आए स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, क्योंकि अभी आगे हमारे पास बहुत चीज़ें देखनी है, इसी से रिलेटेड कोर्स चलता रहेगा। तो ये सिर्फ हमारे पास सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है, कहाँ से कोई चीज़ हम देख सकते हैं और कौन सा प्रोग्राम किस जगह से क्या होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम ब्लॉक में क्या होता है, प्रोग्राम ब्लॉक में जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। सैम्पल टेबल,
सैम्पल टेबल में यहाँ पर हम किसी आउटपुट एड्रेस या इनपुट का नाम डालना चाहते हैं और उसके कमेंट्स, तो यहाँ पर है स्टेटस चार्ट। स्टेटस चार्ट में बेसिकली यहाँ पर आपको हर इनपुट और आउटपुट का स्टेटस बताएगा। जैसे लेट सपोज इनपुट है, कोई इनपुट को हम ऑन करना चाहते हैं, उसकी करंट वैल्यू बता देगा 0 है। अगर आप फोर्स करना चाहते हैं, न्यू वैल्यू यहाँ से डालें, 1 करें, वो ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टेटस चार्ट वो है। उसके बाद आ जाते हैं डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक में आप कोई भी डेटा इंटर कर सकते हैं, ठीक है, डेटा ब्लॉक है ये। सिस्टम ब्लॉक में आ जाते हैं। सिस्टम ब्लॉक में जो भी पीएलसी है आपके पास, पोर्ट कितना होता है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। लेट सपोज हमारे पास CPU 222 है, तो इसमें पोर्ट एक ही है, ठीक है ना, वो पोर्ट एक ही है और ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर पीएलसी एड्रेस 2 है, ठीक है, हाईएस्ट एड्रेस 31 है, ब्रॉड रेट 9.6 KBPS है, रिट्राई काउंट 3 है एंड गैप अपडेट फैक्टर 10 है। रिटेंटिव रेंजेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ डिफ़ॉल्ट में। पासवर्ड हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आउटपुट टेबल, ठीक है, इनपुट फिल्टर्स हैं, पल्स कैच बिट्स हैं, बैकग्राउंड है, ईएम कॉन्फ़िगरेशन है, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो पीएलसी हमारे पास मौजूद होगा उसका डिफ़ॉल्ट यहाँ शो हो रहा होगा कि हमारे पास रिटेंटिव के रेंज कितने हैं, कौन से मेमोरी इनपुट के रेंज कितने हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अनदर वे में। हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में हम कोई भी एलिमेंट या ब्लॉक की लोकेशन और उसके कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें अपलोड एंड डाउनलोड करके बताया कि कम्युनिकेशन का सेक्शन किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और कौन सा केबल S7-200 में सपोर्ट करता है, वो भी मैंने बताया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेट 10, सेट PG एंड इंटरफेस। सेट PG या इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो हम ये बेसिकली जब हम PLC को कम्युनिकेट कराएंगे तो वहाँ पर ये वर्क करता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और बाकी आ जाते हैं हम यहाँ पर अगेन प्रोग्राम टेबल में, ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं बिट लॉजिक। लेट सपोज जैसे नॉर्मली ओपन है, हम यहाँ पर नॉर्मली ओपन यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ कर लिया हमने, और ये I 0.0 नॉर्मली ओपन, और किसी एक रिले को हम Q 0.0। इट्स मीन डैट कि जब हम I 0.0 को ऑन कराएंगे तो Q 0.0 ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग हम आगे देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे इसमें प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और दो तीन चीज़ें मैं बताता चलूँगा। यहाँ पे प्रोग्राम की कमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ये एडिट कर सकते हैं, कोई भी हम प्रोग्राम के कमेंट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क की कमेंट्स भी हम डाल सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ से इस सेक्शन नेटवर्क में स्टार्ट एंड स्टॉप है, ठीक, और इसी तरीके से हम नेटवर्क के कमेंट्स सब में यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल वेरिएशन टाइप एंड डेटा टाइप एंड कमेंट्स किसी चीज़ के बारे में, जैसे ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट की डिटेल डालनी हो तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि ये इनपुट इस काम के लिए, आउटपुट इस काम के लिए, तो वो इजीली हमारे पास शो हो जाता है। लेट सपोज मैं यहाँ पर डालता हूँ कि इंसर्ट 1 मिनट, ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर हम इसकी कमेंट डालेंगे, ठीक है, सैम्पल डिफाइन सैम्पल कर रहे हैं हम, ठीक है, सैम्पल्स जैसे स्टार्ट है, स्टार्ट I 0.0 फॉर रन के लिए, देखें अब मैं इसको ओके करूंगा जैसे ही, तो ये सैम्पल एड्रेस कमेंट्स ये आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम डालते रहें सब में सैम्पल एड्रेस एंड कमेंट्स, इट्स मीन डेट कि हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि हम समझ पाते हैं कि ये इसमें कौन से इनपुट किस काम के लिए।
बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए दूसरों के लिए कि वो ये सैम्बल एड्रेस एंड कमिट यूज़ नहीं करते हैं। आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा बाद में ट्रबल शूटिंग या किसी चीज़ के लिए। तो बहुत सारे मैंने प्रोग्राम देखा है कि उसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो आज का, Step 7 माइक्रोविन सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके सेट रीसेट एंड बिट लॉजिक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। तमाम बिट लॉजिक को यूज़ करके देखेंगे और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप टाइमर काउंटर वगैरह में जाते रहेंगे। अगर आपको इस चीज़ में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे ईमेल या डायरेक्टली इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट्स करके उसमें अपने राय का इजहार कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।